मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर के आपको आगे सम्स कराएंगे। कल हमने आपको ये वाले सम्स कंप्लीट करा दिए थे, आपने अपनी बुक में और नोटबुक में कर लिए होंगे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर। ये सिंपल मल्टीप्लाई है तो इनको हम कैसे करेंगे, आइए ध्यान से आप लोग देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो सबसे पहले 2 के टेबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा क्या आएगा 6। यहाँ पे 0 है, डिजिट नहीं है, 2 0 0। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि किसी भी डिजिट को जब हम 0 से स्टार्ट कर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। अब 2 4 जा 8। टेबल बेटा जरूर लर्न करने आपको, जब भी आप ये सम ठीक से कर पाएंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यहाँ क्या आएगा 3 3 जा 9। आप 3 का टेबल 2 बार बोलेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये है 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 0 0। अभी बताया हमने किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है। अब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, क्या आ गया 906। नेक्स्ट है हमारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को 4। अब डी है हमारा 201, यानी 201 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का टेबल हम 1 बार बोलेंगे, 4 1 जा 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर आएगा 4। यहाँ 0 है, हमने आपको बताया है कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 से हम किसी डिजिट को करेंगे तो भी आंसर हमारा 0 आएगा, और डिजिट से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं। अब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या आ गया आंसर 804। अब नेक्स्ट ई है 221 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 4 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। अब 4 के टेबल को हम 2 बार बोलेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर आया यहाँ पे 8। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ भी क्या आएगा 8, आंसर आ गया हमारा 884। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि मल्टीप्लाई में जो है हमें केवल टेबल को ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी टेबल ही बोलना होता है। टेबल जब हम बोलेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आपको टेबल ही लर्न करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप टेबल लर्न नहीं करेंगे आपको ये मल्टीप्लाई के सम्स नहीं आएंगे। आगे हमारा 312, इसको हम 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आंसर क्या आया 6। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को हम 1 बार बोलेंगे, 3 1 जा 3, आंसर आ गया यहाँ पे 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 के टेबल को 3 से 3 बार बोलेंगे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये आ गया 936। यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ टेबल ही बोलने हैं, जो ऊपर हमारी डिजिट है उनसे हम टेबल से उनको सॉल्व करेंगे। ये आपके बच्चों जी एच और आई, इसको आपको खुद ही बुक में फिल करना है मल्टीप्लाई करके, और जिनके पास बुक नहीं है
वो इन सम्स को नोटबुक में उतारेंगे और अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है डू पेज नंबर 55 इन बुक, डू सम्स पेज नंबर 55 इन बुक। ओके 19/7/2020। आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।